अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बारे में, जिसकी एडमिशन 2024 अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, इसके इंटरव्यू की रिगार्डिंग, मतलब ए टू जेड कम्प्लीट वीडियो ये बनने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को तक लाजमी देखिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल दी जाएगी, और वीडियो होती है तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन कर देना, वहाँ से पूछ लेना, ठीक है जी। वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेज, इसकी एडमिशन अनाउंस हो चुकी है, जो कि LLB की 5 ईयर्स प्रोग्राम है। उसमें अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया या ए लेवल कंप्लीट कर लिया विथ 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो। और उसके अलावा लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे लेट गए थे, अगर वो भी आपने 50% या 50 स्कोर के साथ पास कर लिया है, जो कि HEC कंडक्ट करती है हमेशा, तो आप अप्लाई कर सकते हो LLB में इन 5 ईयर्स प्रोग्राम इन SM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। उसके अलावा आपको ऑल फीस टू बी पेड थ्रू पे ऑर्डर ओनली, ठीक है। बाकी इनकी जो फीस है सारी वो पे ऑर्डर के थ्रू आप पे कर सकते हो। अब ये पे ऑर्डर क्या होता है, आपके फादर या आपके ब्रादर जिनका बैंक अकाउंट बना हुआ है उनको पता होता है कि पे ऑर्डर क्या होता है। तो वो दो पे ऑर्डर आपको बनाने हैं, जो कि आपको जब आपको इंटरव्यू बुलाएं या आपकी फ़ीस देने जाएं, तब आपको साथ में दोनों वो लेके जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की सबमिशन वो 16 अगस्त 2024 है। मे बी अगर डेट एक्सटेंड हुई तो आपको इस चैनल पे अपडेट दी जाएगी, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दी जाएगी। तो मेक श्योर व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करना। बाकी अगर आपको इनका फॉर्म फिल करना है या कुछ भी पूछना, तो आपको इनकी कॉलेज को विजिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और इनका यहाँ पे नंबर भी गिवन है, यहाँ से आप रब्ता कर सकते हो, इनका एड्रेस भी गिवन है, आप यहाँ से जाके आप इनका फॉर्म सबमिट करा सकते हो। अब आते हैं फॉर्म पे, फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। देखो, फॉर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो साथ में लेके लाजमी जाना। आपको खुद ही विजिट करना होगा, या आपका कोई रिलेटिव या कोई आपके गार्डियन वो जा सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डॉक्यूमेंट है जो आप साथ में लेके लाजमी जाने जब आप कॉलेज जाओ, ठीक है। तो इंटरमीडिएट के मार्कशीट ओरिजिनल और इसके साथ फोटोकॉपी दो लाजमी लेके जाइएगा, ठीक है जी। अगर आपके रिजल्ट नहीं है इंटरमीडिएट मार्कशीट, तो आप मुझे लगता है अप्लाई नहीं कर सकते, तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट होना लाजमी है। अगर उसके अलावा अगर नहीं आई मार्कशीट, ठीक है, तो आप कॉलेज से रब्ता कर सकते हो या कॉलेज विजिट करके पूछ सकते हो कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं है इंटरमीडिएट, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, इनकी फोटो कापी SC NSC या बेफार्म, अगर आपके पास SC NSC तो वेलनगुड, अगर नहीं तो बेफार्म लेके जा सकते हो या स्मार्ट कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा PRC एंड OMSR ये रिक्वायर्ड होते हैं लाजमी से, ठीक है। अगर आप अभी नहीं है तो फिलहाल आप अपने पेरेंट्स का यूज़ कर सकते हो, गार्डियन का यूज़ कर सकते हो, बट विद इन 1 मंथ के अंदर ये बन जाएगा, तो आप अपना OMSR लाजमी से बनवा लें, तो ये डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब इंटरव्यू होता है तो उस टाइम आपका खुद का डोमिसाइल होना लाजमी है, ठीक है, तो अगर नहीं है तो अभी से बनवा लो। उसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, ये आपको अपने बोर्ड से मिलेगा, वहाँ से आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चालान होता है वाउचर, वो आपको देंगे, वो पैड करके फिर आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। ये ओरिजिनल लेके जाना, उनकी फोटोकॉपी, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, अगर आपके पास ओरिजिनल वो भी लेके जाना, उसकी फोटोकॉपी 2-3 लेके आ जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा पे ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके जो फादर हैं या आपके जो भी गार्डियन या सिबलिंग हैं, तो उनके अगर उनका अकाउंट बना हुआ बैंक में, तो उनको पता होगा कि पे ऑर्डर क्या होता है, तो वो दो पे ऑर्डर लेके जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज़ फोटोज़, तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, मोस्टली ब्लू बैकग्राउंड ही आजकल चलता है, तो वो लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद लेट स्कोर कार्ड, जो आपने लेट की टेस्ट दी होगी जी, अगर आपके 50+ मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, तो वो आपको साथ में लेके जाइएगा। तो ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है, और सबकी फ़ोटो कापी भी आपको करके जाना है, मे बी वहाँ पे ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी फॉर्म का प्रोसेस ये होगा, जैसे आप कॉलेज पहुँचोगे आपको एडमिशन ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये फॉर्म देंगे, उस पर फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म होता था, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, बस 1-2 डिटेल होती हैं, ठीक है, ना आपका नाम, आपका फादर का नाम, एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह, ये सो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, ठीक है। सो साथ में पेन लेके जाओ, लाजमी जाइएगा, ताकि आप उसको फिल कर सको, सही है। सो ये, ठीक है, फॉर्म का ये प्रोसीजर हो गया, ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम उसके बाद आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, अगर आपको कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए, इट मीन्स आपकी सिलेक्शन हो गई। इंटरव्यू इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ठीक है। सो अब इंटरव्यू में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी फ़ीस क्या है। देखो, 2023 में इसकी जो फ़ीस थी वो तकरीबन 1 लाख
तकरीबन 30 या 20,000 थी, ठीक है, एंड 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार में भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, नॉट कन्फर्म, बट 135 तो लाजमी होगी, ठीक है, 135 या 140 के, ये एनुअल फ़ी होती है। उसके अलावा तकरीबन 1,10,000 ये फ़ीस होती है इनको ओरिजिनल, बाकी 15 या 20,000 ये इनकी गवर्नमेंट फ़ीस होती है जो वंस होती है, ठीक है, तो ये एनुअल फ़ी होती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंटरव्यू के बारे में बताता चलूँ, तो इंटरव्यू में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछे, इधर जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वेरीफाई किया जाता है, उस टाइम भी आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, ठीक है, जब एडमिशन टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट एज ए फोटो कापीज आपको लेंगे, ठीक है, जब एंट्री होगा तब आपसे वो जो भी डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, स्पेशली आपकी जो इंटरमीडिएट मार्कशीट है वो, तो उनको वो देना होगा, ठीक है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट वो भी रख लेंगे। सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू में आपसे एक एसे लिखवाएंगे, ठीक है, आपकी इंग्लिश चेक करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, आपकी राइटिंग चेक करेंगे कि कैसे आप लिखते हो, ठीक है, सो यू नो सम इंग्लिश, सो इसके लिए आपको एक ऐसे लिखा थे, और टॉपिक इतनी बेसिक जो हम प्रीवियस पढ़ के आ चुके, हेल्थ द वेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, इतने सिंपल टॉपिक्स वो देते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको ऐसे लिखना होता है कि कितने वर्ड्स का, तो वहाँ पे मेंशन होता है पूरा, ठीक है, और उससे ऐसे ऐसे भी समटाइम आपसे क्वेश्चन ऐसे में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ आपका इंट्रो, आपके फादर के बारे में ज़्यादा डिटेल पूछे, क्या आप करते हैं, कितनी इनकम है, ठीक है, उनकी कहाँ रहते हो, ये सब कुछ डिटेल आपसे वो पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि वाई LLB, ठीक है, और वाई LLB बट इन दिस कॉलेज, ठीक है, क्यों इस कॉलेज में आपको LLB करनी है, ठीक है, और क्यों ये कॉलेज, बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेज वहाँ पर पढ़ाया जाता है, इसको क्यों चूज़ किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा, तो इसके सबके सही से प्रिपरेशन करना आपको, ठीक है, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपसे इसके रिगार्डिंग। तो ये इंटरव्यू क्या था, बाकी अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ गई तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, सो ठीक है, फॉरगेट दैट। आफ्टर दैट इंटरव्यू होने के बाद आपको कॉल आ जाएगी कुछ दिनों में आपके सिलेक्शन की, ठीक है, तो वो सिलेक्शन के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी कॉलेज, आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी जो आपको मैंने बताई, ठीक है, एंड देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, देन आपके कुछ दिनों में आपको कॉल या SMS आएगा कि आपकी इतने दिनों में क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोसीजर था इसके एडमिशन के रिगार्डिंग, तो फिर भी कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कर देना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ लेना। तो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।